नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड की धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित अपनी एक्टिंग में तो मशहूर है ही हैं, साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि अभिनेत्री ने साल 1984 में फिल्मी पर्दे पर डेब्यू किया था और तब से लेकर के आज तक वो बॉलीवुड में अपना जलवा दिखा रही हैं और उनका काफ़ी नाम है और उसके लिए दर्शक उनकी फिल्मों को देखने के लिए तरसते रहते हैं। दोस्तों, माधुरी दीक्षित को फिल्म कैसे मिली? सबसे पहले उनका जो डेब्यू हुआ था उसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दोस्तों, 16-17 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए और छुट्टियां उनकी चल रही थी और वो घर पर खाली बैठी थी और उनकी जो पहली फिल्म के लिए एक ऑफ़र आया तो उन्होंने काफ़ी अपनी इच्छा जताई कि वो भी एक्टिंग में अपना दम दिखाएं, लेकिन उनके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखें। लेकिन माधुरी दीक्षित ने अपने परिवार वालों को मनाया और किसी तरह से उस फिल्म का डेब्यू किया। तो दोस्तों, जब परिवार वाले मान गए और फिल्म का स्क्रीन टेस्ट दिया तो दोस्तों उसमें अच्छी खासी पासिंग लेकर के लौटी, यानी कि वो इसमें पास हो गई। लेकिन दोस्तों, माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म ही डेब्यू होते फ्लॉप हो गई, लेकिन माधुरी दीक्षित के काम को लोगों ने खूब पसंद किया जिसकी वजह से उनके पास फिल्मों के ऑफ़र आने शुरू हो गए और उनको पढ़ाई करने के मूड से अपना रुझान फिल्मों की तरफ करना पड़ा और उन्होंने कई ऑफर फिल्म जगत के स्वीकार किए और फिर उसमें जुट गई। दोस्तों, लगातार फिल्मों में काम करने से माधुरी दीक्षित को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, कई फिल्में उनकी शुरुआत में फ्लॉप होती रहीं, लेकिन माधुरी दीक्षित ने हार नहीं मानी और दोस्तों सुभाष घई ने फिर माधुरी दीक्षित को काफ़ी उठाया और उन्हें एक फिल्म दी उत्तर दक्षिण। तो दोस्तों, उत्तर दक्षिण में माधुरी दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया और उनके लिए एक ये वरदान साबित हुई जिसमें रजनीकांत और जैकी श्रॉफ ने भी अपना दम दिखाया था। तो दोस्तों, सुभाष घई की फिल्म उत्तर दक्षिण ज़बरदस्त हिट हुई और उसके बाद से माधुरी दीक्षित ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा और दोस्तों आज तक बॉलीवुड में राज कर रही हैं। दर्शक उनकी कोई भी फिल्म आ जाए या कहीं भी उनके प्रोग्राम लगे होते हैं तो दोस्तों इतनी भीड़ होती है माधुरी दीक्षित से मिलने के लिए, देखने के लिए कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी माधुरी दीक्षित के बारे में आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।